तो आज हम आपके लिए एकदम ही यूनिक इनसेट स्टोरी लेकर आए हैं, यानी कि पिता अपनी बेटी के साथ ही शुरू हो रखा है। बियो पेरी नाम की ये मूवी एक इटालियन ड्रामा है जो 1981 में रिलीज हुई थी, और इटालियन ड्रामा फ्रेंच ड्रामा आउटस्टैंडिंग रहता है मेलिना मूवी की तरह। तो जो हमारा यहाँ पे मार्टिना का पति रैमी एक पियानिस्ट है, और वो बहुत ही पॉच इलाके में पियानिस्ट, होटल में पियानिस्ट है, और पियानिस्ट क्या मतलब पियानो बजाता है, और उसे पर नाइट के 250 फ्रैंक मिलते हैं जो कि काफ़ी कम है, और वो चाहता है कि वो 30 साल तक सक्सेसफुल हो जाए, जबकि वो अभी सिर्फ 29 साल का ही है, यानी कि वो एक साल के अंदर ही धूम धड़ाका करके सक्सेसफुल बनना चाहता है। और पियानिस्ट उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसकी एक पत्नी मार्टिना जो है एक मॉडल है, लेकिन अब उसका मॉडलिंग का काम नहीं चलता क्योंकि वो बूटी हो चुकी है, और इसी बीच उसे रैमी कहता है कि उसने आज तक उसे न्यूड नहीं देखा है, यानी कि इसका मतलब उन्होंने कभी कुछ नहीं करा, ना कोई घपाघप, ना ही कोई यानी कि सुट कुछ भी नहीं। और इसी से पता चलता है कि उनका रिलेशन काफ़ी बोरिंग चल रहा है, और मार्टिना को उसका पियानिस्ट होना भी पसंद नहीं है क्योंकि इससे कोई कमाई धमाई तो होती नहीं है, और वो फालतू टाइम पास कर रहा है उसकी नज़रों में एक तरह से। रैमी मार्टिना से कहता है कि चलो कुछ करते हैं खपागप टाइप, लेकिन मार्टिना कहती है कि उसका फ़ोटोशूट है और उसे कुछ रुपए चाहिए। तो हमारे रैमी को लगता है कि उसका उस फोटोग्राफर के साथ अफेयर है, और फिर वो उसे अपनी जेब से टटोल के 30 फ्रैंक दे देता है। और मार्टिना कहती है क्या उसके कार में तेल है, तो हमें तभी नेक्स्ट सीन में दिखता है कि कार के इतने बुरे हाल रहते हैं कि वो उसे धक्के मार के धक्का दे रहा होता है, और इसी बीच मार्टिना आगे बढ़ती है तो ट्रक से जाके लग जाती है और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। अब उसको अपने पहले पति से, मार्टिना का जो पहला पति था उससे उसकी एक बेटी है मैरियन, और मैरियन जो है वो उन्हीं के साथ रहती है, यानी कि रैमी के साथ। तो रैमी को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे कैसे बताए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो उसके लिए एक लेटर लिख देता है और सब्ज़ी लेने के बहाने चले जाता है कि ये सोचकर कि वो उस लेटर को पढ़ेगी। जब वो सब्ज़ी लेकर वापस आता है तो उसे वो लेटर पढ़ते हुए दिखती है, और फिर मैरियन उससे पूछती है कि ये सब मजाक चल रहा है ना। तो इस पर रैमी कहता है नहीं ये सच है, और उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा चीख चीख के रोने लगते हैं कि उनकी माँ मर गई और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहती है कि अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। तो रैमी इस पर कहता है कि नहीं उसके तो डैड भी हैं, लेकिन वो अपने उस डैड के साथ नहीं रहना चाहती, वो एक अल्कोहलिक पर्सन है और ना ही उसे वो पसंद है, वो रैमी को पसंद करती है, और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो रैमी इस बात को उसके पिता के सामने रखता है और बताता है कि उसकी वाइफ मर गई, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं होता। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को लेने कल सुबह आ जाऊँगा और तुम उसका सामान पैक करके रखना। तो रैमी कहता है वो उसे अपने साथ रखना चाहता है, उसकी एक लाइफ स्टाइल है, वो स्कूल जाती है, उसके अपने फ्रेंड्स हैं। तो इस पर उसका पिता चार्ली कहता है कि नहीं वो मेरी बेटी और मेरे साथ ही रहेगी। जब ये बात रैमी मैरिना को बताता है तो मैरियन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो ऐसे कैसे रहेगी। तो रैमी और वो सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फूट फूट के रो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जब वो उसे चार्ली के पास छोड़ता है और फिर उसके बाद वो उसे सब कुछ समझा देता है उसकी लाइफ के बारे में, और एक पैकेट देता है जिसमें वो दवाइयाँ रखी रहती है, और वो उसे बोलता है कि उसे टाइम टाइम पे वो दवाई देता रहे अपनी बेटी मैरियन को। और इसी के साथ टाइम बीतता है और वो हमें मिलते हैं उसके किसके फ्यूनरल पे, अपनी वाइफ के यानी कि मार्टिना के। और उसके बाद जब वो कॉल करता है बहुत टाइम बाद, तो मैरिना रोने लगती है और कहती है कि वो बहुत बुरा है जो वो उसे उसके पिता के पास छोड़ के चला गया, और वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। और फिर एक पियानो बजाते हुए रेस्टोरेंट में वो पियानो बजा ही नहीं रहा होता है, कस्टमर आके उसे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं बजा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं बहुत सैड हूँ, तो वो कहता है सैड म्यूज़िक बजाओ वरना तुम जॉब खो दोगे। नेक्स्ट डे उसके पास उसकी बेटी मैरिना आ जाती है और कहती है कि वो भाग कर आ गई है और वो अब से उसी के साथ रहेगी। तो वो बोलता है कि मैं चार्ली को क्या बताऊँगा, तो बोलेगी कि हम दोनों चार्ली से निपट लेंगे। नेक्स्ट डे वहाँ चार्ली आ जाता है और वो कहती है कि नहीं वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो रैमी के साथ ही रहना चाहती है। तो चार्ली कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी बीच उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में वो दोनों काफी एक दूसरे को पीट देते हैं, जिससे रैमी उसके बाद बैठ जाता है और चार्ली को समझाता है कि अगर उसकी बेटी उसके साथ रहना चाहती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर शाम को वो उसे बताता है कि उसकी पियानो वाली जॉब चले गई और उसके बाद बिल्कुल भी रुपए नहीं है। तो इस पर मैरिना कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो बेबी सिटिंग कर लेगी और वो पियानो के लेसन बच्चों
को दे सकते हैं। फिर एक रात वहाँ पे उसकी बेटी मैरीना आती है और कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है और साथ ही साथ उसके ग्रेड भी बहुत कम हो रहे हैं। वो कहता है इसकी क्या वजह है, तो वो बताती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो वो बोलता है अट्रैक्टेड इन व्हाट सेंस, तो वो बोलती है वो उसकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है और हर तरफ उसी का ही सपने देखती रहती है। तो इस पर रैमी परेशान हो जाता है, वो कहता है कि हिस्ट्री जैसे बोरिंग सब्जेक्ट में ऐसी उठपटांग चीज़ों के ख्याल आना नॉर्मल है, और नॉर्मल ही नहीं ये इस एज में तो वैसे भी 14 साल की उम्र में ये सब होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी है और अगर उसे उसके बाल नहीं पसंद तो वो उसे कटवा देगी। तो इस पर रैमी कहता है कि इस बात का बालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी एज अभी इस लाइक नहीं हुई है और साथ ही साथ ये बहुत ही एक अजीब सी बात है जो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग पर बैठी हुई है, ऐसा और कुछ भी नहीं है, ये उसके ख्याल है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो वो कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो इस पर रैमी कहता है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। रैमी कहता है कि वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ कर दे, और इस पर फिर मार्टिना गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में वो आके उसे कहती है कि नहीं वो उससे सच्चा ही सब कुछ फील करती है, जब भी वो उसके बगल में बैठती है तो उसे अजीब सा होने लग जाता है। नेक्स्ट नाइट फिर वो उसके बेड पर एकदम न्यूड लेटी रहती है और इस पर रैमी कहता है कि ये सब क्या है, तो वो कहती है कि वो उसके साथ सोना चाहती है। तो इस पर रैमी कहता है नहीं मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, तो वो कहती है ऐसा क्यों, क्या वो उसे पसंद नहीं करता, तो इस पर रैमी कहता है वो उसे पसंद करता है लेकिन वो एक छोटी बच्ची है और वो छोटी बच्ची के साथ कांड नहीं कर सकता, घपाघप नहीं कर सकता। तो इस पर वो कहती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो उसे औरतों की तरह ट्रीट क्यों नहीं करता। वो कहता है औरत और मर्द या तो फिर घपाघप करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो इस पर रैमी की वो बेटी मैरीना कहती है कि वो तैयार है, लेकिन रैमी कहता है वो तैयार नहीं है। तो इस पर वो कहती है कि चलो ठीक है तुम मेरे बेड पे, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पे सो जाऊं क्या, तो वो कहती है नहीं अगर मुझे कुछ हो गया और मैंने घपाघप करना शुरू कर दिया तो वो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी ऐसा ही फील करते हो अगर और तुम मुझे बता नहीं रहे हो तो ये तो मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी जाप्ती कर रहे हो तुम। तो इस पर रैमी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ बिना कपड़ों के, मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ। तो इस पर रैमी कहता है कि ये सब कुछ समझ से बाहर है और पता नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल कर भी पाऊँगा या नहीं। फिर उसके बाद मैरिन दोबारा से नॉर्मली वहाँ पे आके बैठ जाती है उसके साथ और वो अपनी बुक पढ़ने लगती है। वो कहती है कि आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ अगर आप चाहो तो मुझे अपनी बाहों में भी भर सकते हो, आप चाहो तो मुझे प्यार भी कर सकते हो। तो इस पर फिर रैमी बोलता है कि तुम अभी एक छोटी बच्ची है और मैं मुझे बच्ची पर प्यार करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहता है नहीं मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं 14 साल की हूँ, आप चाहो तो मेरे ब्रेस्ट को छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो मेरे किसी भी पार्ट्स को छू सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो रैमी इसमें बोलता है कि वो आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है, तो वो कहती है मुझे जल्दी बड़ा होना है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ वैसे भी, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें मम्मी के साथ लगे पड़े देखा था और उसके बाद तुम्हारी आवाज़ें सुन के मैं बौखला गई थी। तो रैमी सोचता है कि उसने तो उसकी माँ के साथ कभी कुछ नहीं करा, इसका मतलब वो किसी और आदमी के साथ लगी हुई थी, और तब वो गुस्से में आके मैरीना को धक्का दे देता है और मैरियम भी चिढ़ जाती है, वो उसे वहाँ गाली दे के चले जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल का टीचर उसके बदले हुए इस बिहेवियर के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती कुछ नहीं है, वो बस बैठी रहती है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो आजकल ऐसा अजीबोगरीब व्यवहार क्यों कर रही है। फिर रैमी और चार्ली उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि उसे एक बीमारी है एमनियाक नाम से, और डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि तुम दोनों में से बाप कौन है, तो वो बताता है, चार्ली कहता है मैं उसका पिता हूँ, तो वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम इसे माउंटेन्स की तरफ लेके जाओ क्योंकि इसका हवा पानी बदलना बहुत ज़रूरी है। और फिर चार्ली कहता है कि मैं क्लब खोल रहा हूँ तो मैं इसे पेरिस में लेके जा सकता हूँ, और इस तरीके से वो उसको लेके अपने क्लब हाउस के चक्कर में पेरिस लेके चले जाता है माउंटेन्स में। और इस तरीके से जब वो उसे छोड़ने जाता है रैमी, तो
तब वहाँ पे मैरियन कहती है कि वो उससे एक चीज़ मांगना चाहती है, और रैमी उसे किस कर देता है और उसके बाद वो चले जाता है, जिससे कि मैरियन खुशी खुशी चले जाती है। इसी बीच रैमी को उसका मकान मालिक वहाँ से भगा देता है क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे रेंट भरने के लिए। फिर वो कॉल करता है क्रिसमस की नाइट, और वो कहता है मैरियन से कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो ये चीज़ साबित कर सकता है। फिर वो उसके होटल में पहुँच जाता है, और होटल में पहुँच के वो उससे बहुत दूर से ट्रैवल करके आया हुआ रहता है। तो मैरियन उसे कहती है कि वो आराम कर ले, लेकिन उसी रात मैरियन उसके रूम पे आ जाती है और फिर वो दोनों दबा के घबाकब कर देते हैं, और वो उसे आई लव यू बोल देती है। फिर वो वहाँ से चले जाता है और मैरियन भी उसके साथ रहने के लिए आ जाती है, और मैरियन उस पर बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन रोमी कहता है कि ये कुछ भी नया नहीं है, और वो चाहता है कि वो उसकी अपनी एज के साथ वाले लड़कों के साथ डेट करे, और जो कुछ हुआ वो सब नॉर्मल था। तो नेक्स्ट इवनिंग को रैमी देखती है कि मैरीना ने बहुत सारे लड़कों को इनवाइट करा हुआ है और वो पार्टी कर रही है, और उसे ये देख के बहुत अजीब लगता है और वो उसे छोड़ के चले जाता है। लेकिन जब वो दोबारा आता है तो उसके बाद मैरीना उसे बोलती है कि देखो मेरी बेल्ट एकदम टाइट है और इसके अंदर का प्राइवेट पार्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है, और तुम ही इसके साथ जो कर सकते हो वो सिर्फ तुम कर सकते हो। तो इस बात को लेकर रैमी जो रहता है वो परेशान सा हो जाता है, और उसके बाद वो उससे बात करने लगता है, और उसके बाद वो एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं जहाँ की वो पायनिस्ट होता है, और घर आके वो दोनों फिर से घपाघप करते हैं बहुत ही दबा के। नेक्स्ट डे वहाँ चार्ली आता है और चार्ली उससे मिलने आ रहा है। चार्ली कहता है कि हम तीनों एक फैमिली है, तो क्यों ना तुम मेरे क्लब में पियानिस्ट बन जाओ और हम साथ में रहें। फिर अचानक से वो दोनों गले मिलते हैं, जिसे चार्ली देख लेता है। चार्ली कहता है कि मुझे लग रहा है कि आप तुम दोनों एक दूसरे साथ सो रहे हो। तो इस बात में रैमी चिड़ जाता है और वो उसे डांट देता है, और इस पर चार्ली उससे माफ़ी मांग के वहाँ से चले जाता है। फिर अचानक रात को मैरीना उसे जगाती है और कहती है कि जिस बच्चे की वो बेबी सिटिंग कर रही है उसे फीवर है। वो उसके घर में जाते हैं और तभी वहाँ उसकी माँ भी आ जाती है बच्चे की, और वो पूछते हैं कि उन्होंने उसके बच्चे की नहीं देखभाल करी, उसके पे कितने रुपए लगे। फिर रात को घर आते हुए रैमी कहता है कि वो माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसे वो काफ़ी पसंद भी आई। इस पर मैरियन सोचती है कि शायद उसे वो पसंद आ गई है, तो वो उसे बताती है कि वो भी एक म्यूजिशियन है। और फिर धीरे धीरे रोमी का उसके तरफ इंटरेस्ट जागता है, वो उससे मिलने जाता है, वो चाय पे उसके साथ बातें बनाता है, और बातें बनाते बनाते ही वो काफ़ी घुल मिल जाते हैं, उसे वो पसंद आने लग जाती है। वो घर आके उसके बाद मैरियन को हक करता है और वो कहता है कि उसे वो पियानो म्यूजिशियन पसंद आ गई है, और वो उसे रोक सकती है, उसे रोक दे वरना वो उसकी तरफ चले जाएगा। तो वो उससे पूछती है क्या उसने उसे किस करा, तो वो बोलती है नहीं मैं ये नहीं कर पाया, और फिर वो सो जाता है। इस पर रूमी की जो बेटी रहती है मैरियन, वो ही कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं 17 ईयर की हो जाऊं और फिर मैं एक औरत बन के तुमसे शादी करूँ, और शायद से मैं तुम्हें एक बेबी भी दे पाऊँ, और उसके बाद तुम मेरे साथ बाहर घूमो और तुम्हें कभी भी कोई शर्मिंदगी ना हो। लेकिन इस पर अगले दिन वो परफॉर्मेंस करने चले जाता है पियानो में रूमी, और उस परफॉर्मेंस के बाद वो मैरियन को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है शायद से। और फिर इसके बाद जो मैरियन रहती है वो उसे बोलते हैं कि ठीक है मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन जब भी मुझे तुम्हारी सारे नीड हो यानी कि फिजिकल नीड, तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो इस बात के लिए मान जाता है, और उसके बाद मैरियन अपने पिता के पास चार्ली के पास चले जाती है, और रूमी उसे ढूंढते हुए घर में आता है। रोमी मैरियन को ढूंढते हुए सार्लेट के घर आ जाता है कि शायद वो बेबी सिटिंग करने आई हो, लेकिन जब वो उसके रूम पे पहुंचता है तो वो बिल्कुल न्यूड लेटी रहती है, और वो उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, और वो दोनों इंटिमिडेट होने लग जाते हैं। और तब वहाँ पे सार्लेट की बेटी नटाली उन दोनों को खपा खप करते हुए देखती है, और मूवी ख़त्म हो जाती है।